संपूर्ण देश भर के अंदर राष्ट्र से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, अनुभव आधारित, बाल केंद्रित क्रिया को ध्यान में रखते हुए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए एक ज्ञान वर्धन करने की दृष्टि से इस प्रकार की योजना रचना हम लोग करते हैं। संपूर्ण समाज के अंदर कई बार ऐसा रहता है कि बाहर क्या चल रहा है और व्यवहारिक क्या होना चाहिए, इसका विश्लेषण नहीं करते। हम यह मान करके चलते हैं कि हमारी जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति देश की है, इसमें से हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं। दूसरे की नकल करना या अपने को स्वीकार नहीं, हम अपने यहाँ पर क्या शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, अनुभव आधारित समाज के बीच में हम कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि अनेक लोगों ने अपना अनुभव प्राप्त करने के बाद जो हमारे ऋषि महर्षियों ने समाज के लिए परोस करके दिया, उसका परिणाम अलग दिखाई देता है। और जो बाहर से हम ले आए, और बाहर के झूठन को चाट करके कोई मजबूत नहीं बन सकता। अपनी कमाई हुई, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के द्वारा जो चीज़ें मिलेंगी, बच्चे उसको गौरवान्वित होंगे और बच्चों को उसको अपनाने में भी सुविधा होगी। क्योंकि उनको अपनी मातृभाषा के द्वारा सीखी हुई चीज़ें हैं। गांव के अंदर भी देखेंगे, अनपढ़ महिला भी बहुत अच्छे वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानती है। आप देखेंगे गांव के अंदर कोई बूढ़ी माँ है, अनपढ़ है, फिर भी शाम के समय तुरंत कहेगी कि तुलसी का पौधा इसे छूना नहीं, क्यों, इसके अंदर भगवान है। किसी वृक्ष को डेला नहीं मारना, क्योंकि इसमें भगवान है, वृक्ष सो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ही कल्पना हो सकती है, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम अपने यहाँ सृजनकर्ताओं को सम्मान देते हैं, विध्वंसकर्ताओं को नहीं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी, चूँकि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छे सृजनकर्ता रहे, चाहे अब्दुल कलाम आधुनिक दृष्टि से भी सृजनकर्ता रहे, इस प्रकार के अनुभव आधारित विषयों को लेकर के इन छात्र छात्राओं के बीच में शोध के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ मुख्य मुद्दे उठे हैं, विषय आए हैं, उस विषय में संपूर्ण देश में चर्चा हो रही है। उसमें भागलपुर के लिए भी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता कैसे कायम करें, इस दृष्टि से विषय चयन किया गया है। मूल्यों के संदर्भ में उच्च शिक्षा कैसे प्रभावी हो सकती है, यानी उस शिक्षा में जो आज समाज की आवश्यकता है वैल्यू एजुकेशन की, तो वैल्यू एजुकेशन कैसे हम उस शिक्षा में ले आवे, इस दृष्टि से परिचर्चा है। फिर उच्च शिक्षा में भारतीय मूल्य, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, तो शिक्षा देश के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा, यह भारत देश है, तो भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी जो वैल्यूज थे पुराने समय में, गुरुकुल के समय में, तो वो आज उस शिक्षा में कैसे भारतीय मूल्य प्रतिष्ठापित हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उस शिक्षा में शोध करके विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ के समाज को और सुदृढ़ कर सकते हैं, इस विषय पर परिचर्चा है। और आज की जो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के आधार पर जो आवश्यकताएं हैं, उस आधार पर भी उस शैक्षिक में शोध करके हम सब संपूर्ण विश्व में कैसे शिक्षा में अलग जगा सकते हैं, तो विद्या भारती नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विषय आए हैं इस पर, उसके संदर्भ में यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। अब तक पश्चिम की भावभूमि या विदेशों की भावभूमि पर हमारे यहाँ शोध होते रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत यह आह्वान किया गया है कि भारतीय भावभूमि पर ही शोध का नया पौधा लहलहाए। विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ चले, तभी कोई राष्ट्र उन्नत हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि विदेशियों ने हमें बहुत दिनों तक आक्रांत किया है, हम गुलाम रहे हैं और गुलामी मानसिकता से बंधे रहे हैं। आजादी मिलने के बाद भी उसी गुलामी मानसिकता से मुक्त होने के लिए यह सेमिनार एक आह्वान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे यहाँ शोध कैसा हो, क्या जो वही घिसी पीटी लकीर है उसी पर हम आगे बढ़ें, या कोई नया रास्ता हम चुने, एक नई राह हम चुने। तो यह संगोष्ठी भारतीय शोध को नई दिशा प्रदान करने वाली होगी, एक नई राह देने वाली होगी। तो मेरे विचार से
यदि इस तरह के सेमिनार, इस तरह की संगोष्ठी पूरे देश में आयोजित की जाए और बल दिया जाए कि जो भी हमारा शोध हो वह भारतीय भावभूमि के पर आधारित हो, तभी देश उन्नत कर सकता है और भारतवर्ष को परम वैभव पर स्थापित हम कर सकते हैं। पूरनमल बाजोरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चंपानगर भागलपुर में आज राष्ट्रीय सेमिनार था। राष्ट्रीय सेमिनार का विषय है उच्च शिक्षा में शोध एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। इसका उद्देश्य ये है कि नवीन जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी हुई है, लागू हो रही है, उसमें शोध के ऊपर कितना बल दिया गया है और शोध से क्या लाभ है, क्यों इतना सरकार शोध के ऊपर बल दे रही है। तो शोध हमारी क्या है कि में हमेशा निरंतरता बनी रहती है, तो नए नए चीज़ें जो आविष्कार होते रहते हैं। हमारी जो आवश्यकता है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ताओं के समाधान के लिए जो हम काम करते हैं वो शोध होता है। तो उस शोध में नवीन क्या क्या हो सकता है, आगे हम और कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और उच्च शिक्षा में जब शोध की नवीन क्वालिटी रहेगी, अच्छी क्वालिटी रहेगी, से कार्य होगा, तो निश्चित रूप से अच्छे लोग आगे भावी भविष्य के भारत के निर्माण के लिए अच्छे नागरिक तैयार हो पाएंगे, हम अच्छी नीतियां दे सकेंगे। तो बिना शोध के हम नीतियां नहीं दे सकते हैं। पीछे की जो भी नीतियां रही हैं वो कितनी अच्छी रही हैं, कहां से उसमें दोष आया, इन सारे चीज़ों के अध्ययन करके और फिर नई चीज़ लाना आगे बढ़ने के लिए, ये हम शोध के में उपाय कर रहे हैं। इसके लिए नवीन शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है। सबसे अधिक जीडीपी का सबसे अधिक शिक्षा में शोध पर व्यय किया जा रहा है, यह सरकार ध्यान दे रही है। इसीलिए कि हमारा नियम जो भी नीति शिक्षा में जितने गिरावटें आई हैं, जितने ही हमारी शिक्षा आगे बढ़ी है उतनी ही गिरावटें आई है, वो गिरावटें कम हो सके। हमारे सारे शिक्षाविद प्रतिदिन शिक्षाओं में कमियों को केवल उल्लेखित करते रहते हैं, ये कमियां वो कमियां वो कमियां करते रहते हैं, वो कमियां के जड़ क्या है इसको वो नहीं बताते, उसको खत्म करने के उपाय नहीं बताते। लेकिन नवीन शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है कि हम उपाय बताएं, न कि हम उसका केवल समस्याएं बताएं, समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं उसको बताएं, तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है, भावी भविष्य भारत का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस महाविद्यालय को धन्यवाद देता हूँ, खास करके जो प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय के, पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे जी को, जिन्होंने ज्वलंत समस्या पर शोध तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में शोध और उसकी नई प्रवृत्तियाँ क्या है उसके संबंध में चर्चा करना, और चर्चा ही नहीं करना, यह शोध दो दिवसीय है तो आज तो सिर्फ चिंताएं आई हैं। इन चिंताओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे वह तो दूसरे दिन ही चलेगा, लेकिन जो भी शोध प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में दो बातें आई हैं कि लोगों का इंटरेस्ट और विल पावर, उनका उनकी रुचि और इच्छा शक्ति, यह जब दो होगा तो हम शोध को एक सार्थकता के साथ जन जन तक पहुंचा पाएंगे, और कहीं ना कहीं एक हम शोध जो स्थानीय तौर पर करते हैं उस शोध की जब प्रतिपुष्टि राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर होती है तो प्रधानमंत्री की यह संकल्पना कि ग्लोबल लोकल टू ग्लोबल, वह एक अवसर शोध ही देता है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसके माध्यम से हम सभी उन शोधार्थियों को जागरूक कर पाएंगे जिससे वे शोध के प्रति संवेदनशील होंगे और अच्छे शोध जो समाज उपयोगी हो उसके लिए वे अपने आप को एक प्रहरी के रूप में स्थापित कर। बहुत बहुत धन्यवाद।